अस्सलाम वालेकुम मेरे जान। तो आज मेरे बेटे हमने अपनी बुक के न्यूमेरिकल नंबर 3 से चैप्टर नंबर 4 केपी की और फेडरल बोर्ड की जो फिजिक्स की 9th क्लास की बुक है पेज नंबर 128 पे कुछ न्यूमेरिकल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। सना हुज बेस 3 केजी सिट्स 1.8 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सी सॉ और फेयर हुज बेस 52 केजी वांट्स टू बैलेंस सना। सबसे पहले तो मेरे बेटे हम यहां एक सी सॉ बना लेते हैं। अपने भी बॉक्स में ये देखा होगा एक तरफ सना बैठी है और दूसरी तरफ फैज बैठे हुए। सना पिवट पॉइंट से मतलब वो पॉइंट जहां पे बॉडी रोटेट करती है उस पॉइंट से 1.8 मीटर के डिस्टेंस पे बैठी हुई है। 1.8 मीटर जिस पॉइंट पे बॉडी रोटेट करे वहां से जो डिस्टेंस होता है उसको मोमेंट आर्म कहा जाता है। अब सना का तो उसको आर वन कह लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए और सना का जो मैस बताया जा रहा है वो कितना बताया जा रहा है जनाब 43 केजी। दूसरी तरफ फैज भाई हैं जिनका मैस आपके पास है 52 केजी लेकिन फैज भाई ये चाहते हैं कि वो इस सी सा को बैलेंस कर दे। 52 केजी के साथ वो कहां पे बैठेंगे कि दोनों बिल्कुल क्या हो जाएंगे बैलेंस। अगर बिल्कुल एंड पे बैठेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मींस सबसे पहले आप यहां पे यूज करोगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वो इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि भाई साहब यहां पे दो तरह का टॉर्क पैदा हो रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और हमने कहा ऑब्जेक्ट बैलेंस तब होता है जब दोनों आपस में क्या हो इक्वल हो। क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ इधर भी क्या आ गया आर एफ आर वन एफ वन आर टू एफ टू टू आर। अब भाई जान क्योंकि दोनों डिस्टेंस डिफरेंट है इसलिए 1122 का नाम दे दिया। फोर्सेस भी डिफरेंट है। अब सवाल ये कि हमारे पास तो मैस गिवन है फोर्स कहां से लाएंगे भाई वेट इज अ फोर्स विच इज इक्वल टू एम जी। क्या कह मेरा बेटा एम जी। सना के मैस को एम वन का नाम दे दे ये आएगा एम वन जी आर टू। फैज भाई के मैस को एम टू का नाम दे दे तो ये आ गया एम टू जी। जी की वैल्यू तो क्या रहेगी सेम क्या होगी 9.8। मुझे कैलकुलेट क्या करना है आर टू ये भाई जान कितने डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं ये कैलकुलेट करना है। ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर के क्या होगा डिवाइड आर वन मल्टीप्लाई बाय एम वन जी डिवाइडेड बाय एम टू जी इज इक्वल टू आर टू। आर वन पे क्या आ गया 1.8 एम वन कितना है 43 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय एम टू कितना है 52 जी की वैल्यू मेरे पुत्र 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है इसलिए मैं जी की जगह पर सिर्फ क्या लिखा जा रहा हूं 9.8 एम टू कितना है 52 वैल्यू कितनी आ गई 9.8 के साथ क्या हो गया कैंसिल। यहां से चाहिए कैंसिल कर लो जी जी के साथ 1.8 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा 52 पे डिवाइड करेंगे तो भाई जान आपके पास आंसर आर टू का आ रहा है 1.52 मीटर। अगर फेस इस पिवट पॉइंट से जहां में बॉडी रोटेट कर रही है 1.52 मीटर के डिस्टेंस पे बैठेंगे तो वो सना को क्या कर देंगे बैलेंस। क्लियर है मेरी जान। आप लोग इसका जो स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें और मजीद कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। आ गए मिस्टर फोर्थ न्यूमेरिकल वो भी कुछ इसी तरह से होगा। स्टेटमेंट भी काफी अच्छी खासी लंबी है। टू किड्स ऑफ वेइंग दो बच्चे जिनका वजन
अगेन सी सॉ की बात करें, टू गेट्स ओवेइंग 300 न्यूटन एंड 350 न्यूटन, दो बच्चे ए और बी चाहे नाम दे दें आप उनको, एक का वजन कितना है W1 300 न्यूटन, दूसरे का वजन कितना है 350 न्यूटन, दो बच्चे इधर बैठे हुए हैं, एक का वजन कितना आ गया 300 न्यूटन और दूसरे का कितना आ गया 350 न्यूटन, आर सिटिंग एट दी एंड्स ऑफ सी एंड्स ऑफ 6 मीटर लॉन्ग सीसा, इसका मतलब है एक ही एंड पे नहीं दूसरा दूसरे एंड पे बैठा हुआ है, एक इधर ड्रॉ कर लेते हैं 300 न्यूटन और दूसरा किस पे बैठा हुआ है 350 न्यूटन, W2 W1 आगे जनाब, द सीसा इज पिवटेड एट इट्स सेंटर, सीसा को पिवट किया गया बिल्कुल सेंटर में, मतलब बिल्कुल सेंटर से उसको बैलेंस किया गया, वेयर शुड अ थर्ड किड शो दैट द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, अगर देखा जाए तो वजन यहां पे ज्यादा है ऐसे है ना, अब ये बैलेंस तो नहीं होंगे क्योंकि बिल्कुल इन पे बैठेंगे, वहां से नीचे होगा और यहां से क्या होगा ऊपर, तो यहां पे भाईजान एक चीज देखो, ये पूरे सीसा की लेंथ कितनी थी 6 मीटर, यहां से यहां तक इसका वजन कितना है 3 मीटर, और यहां से भी यहां तक इसका वजन कितना हुआ 3 मीटर, पूरे की लेंथ 6 मीटर है तो हाफ ऑफ करेंगे तो कितना आएगा 3 मीटर, 3 मीटर इसको भी आप क्या दे देंगे आर वन और इसको क्या कह दिया आर टू, अब तीसरा बच्चा यहां पे कहीं आके बैठेगा, अब हमें नहीं पता कि उस जो तीसरा बच्चा उसने कहा है उसका मैस है या वेट है 250 न्यूटन, W3 कितना आ गया आपके पास 250 न्यूटन, लेकिन ये कहां पे बैठे कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए बैलेंस हो जाए, मतलब कि आपको R1 R2 पता है लेकिन R3 की वैल्यू क्या करनी है मेरे बेटे कैलकुलेट करनी है, अगेन कौन सी कंडीशन यूज करेंगे भाईजन, यहां पे जो चीज आएगी वो एक तरह का टॉर्क पैदा करेगी और यहां पे जो चीज आएगी वो एक तरह का टॉर्क पैदा करेगी, अगेन सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या फरमा रही आपको कि जी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, आप क्या करोगे मेरे बेटे यहां पे कौन सा टॉर्क पैदा हो रहा है, दो टॉर्क पैदा हो रहे हैं ना, एक टॉर्क वन और दूसरा टॉर्क थ्री, टॉर्क वन प्लस टॉर्क थ्री इसको किसके को लाना चाहिए टॉर्क टू के, किसके को लाना चाहिए टॉर्क टू के, टॉर्क वन क्या है डब्ल्यू वन मल्टीप्लाई बाय आर वन, फोर्स और डिस्टेंस को कहते हैं ना, तो वेट में क्या है फोर्स है, प्लस टॉर्क थ्री क्या आएगा डब्ल्यू थ्री मल्टीप्लाई बाय आर थ्री, इधर क्या आएगा डब्ल्यू टू मल्टीप्लाई बाय आर टू, कोई मुश्किल नहीं यहां तक, ओके मुझे क्या कैलकुलेट करना है इसको मैं सर्कुलेट कर रहा हूं आर थ्री ये कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले यहां पे ये चीज प्लस की है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ओके W2 R2 माइनस W1 इंटू आर वन, डब्ल्यू टू कितना भाई 350, R2 कितना है 3 मीटर माइनस W1 कितना है 300 और R1 कितना है 3, अगर मैं देखूं 350 को 3 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से कितना आंसर आता है 350 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से 1050 क्या आएगा 1050 माइनस 300 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 900 1050 से 900 सब्ट्रैक्ट करें तो 150, अब ये वाला सारा फैक्टर हम दूसरी तरफ लेके दें इधर क्या बच रहा था W3 मल्टीप्लाई बाय R3 आपको क्या कैलकुलेट करना है R3 W3 इसके साथ मल्टीप्लाई रहता है कि क्या होगा डिवाइड R3 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 250 क्या आंसर आएगा बेटे 0.6
0.6 मीटर हो गया सॉल्व। कोई मुश्किल यहां तक मेरे बेटे? तो इसका आप भी स्क्रीनशॉट देख लें, जो समझ में नहीं आता उसको दोबारा से लेक्चर को अच्छे से सुन ले तो समझ में आ जाएगा। खैर अब आते हैं नेक्स्ट में, अगेन वही कहानी। अब दो बच्चे हैं जो एक दरवाजे को, क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 5, टू चाइल्ड पुशेस द डोर, ओके मेरे जान, अब न्यूमेरिकल नंबर 5 की बात करते हैं। अब यहां भी कहा जा रहा है टू चिल्ड्रन पुशेस ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ डोर, दो बच्चे ऑपोजिट साइड से डोर को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्ले, गेम खेलते वक्त। बोथ पुश हॉरिजेंटली एंड परपेंडिकुलरली, हॉरिजेंटली भी पुश कर रहे हैं और परपेंडिकुलरली। वन चिल्ड्रन पुश विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, मैं यहां पर कह देता हूं मेरे पास एक बच्चे की फोर्स F1 आ गई, कितनी आ गई मेरे बेटे 20 न्यूटन। अब मेरे बच्चे एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.60 मीटर फ्रॉम द हिंजेस, पिवट पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, 0.60 मीटर, तो डेफिनेटली दो चीजें आपके पास आ गई, टॉर्क भी पूछा गया होगा यहां से, मतलब यहां पे आप आ रहे हैं तो टॉर्क 1 कैलकुलेट करना है। और द सेकेंड चाइल्ड पुशेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.50, दूसरा बच्चा कितने डिस्टेंस पे है, 0.50, लेकिन उसने कहा कि आप ये बताएं कि उस वक्त फोर्स कितनी होगी, उस वक्त फोर्स कितनी होगी। अब मेरे बच्चे सबसे पहले तो ये देखें कि यहां पे F1 और R1 देने का एक मकसद था ताकि आप टॉर्क कैलकुलेट कर सको, टॉर्क सेम पैदा हो रहा है लेकिन वो कहता है कि फोर्स R2 अगर 0.50 हो जाए तो फोर्स कितनी होगी कि अगेन वही टॉर्क पैदा हो। तो सबसे पहले तो आपने डेटा लिखना होगा जो चीज गिवन हो, जो चीज अननोन है वो कैलकुलेट कर ले। अगले केस में R2 और टॉर्क होगा तो क्या कैलकुलेट की जा सकेगी, फोर्स। तो सबसे पहले टॉर्क 1 मल्टीप्लाई बाय F1 मल्टीप्लाई बाय R1 20 मल्टीप्लाई बाय 0.60, द आंसर विल बी 12 न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। नाउ अब बात करते हैं टॉर्क इज इक्वल टू R2 F2, टॉर्क हमारे पास है R2 इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या आ जाएगा आपके पास F2, टॉर्क कितना आपके पास है ना 12, R2 कितना आपके पास 0.50, F2 12 को 0.50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा मेरा बेटा 24 न्यूटन, कितना आ जाएगा 24 न्यूटन, यही आ रहा है मेरे बच्चे। इवन कि आपके नोट्स में कुछ डिफिकल्ट वे में सॉल्व हुआ तो आप ये भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया मेरे भाई, कोई क्वेश्चन यहां तक? ओके नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, उसमें भी ये लास्ट न्यूमेरिकल, उसको आप स्क्रीनशॉट लेना है दोबारा से देखना है, देख सकते हैं। भजन बात की जा रही है कंस्ट्रक्शन क्रेन लिफ्ट बिल्डिंग मटीरियल फ्रॉम मैस, मैस गिवन है 1500 kg, M 1500 kg, लिफ्ट द बिल्डिंग का मटेरियल ऑफ दिस बाय इट्स क्रेन आर्म, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब क्या कैलकुलेट करने है R1 या मोमेंट ऑफ फोर्स, हम क्या नाम देते हैं टॉर्क का, सुन क्या नाम देंगे टॉर्क, और क्या कैलकुलेट करना है जी, वेन मूवमेंट आर्म इज, जब आर की वैल्यू क्या हो आपके पास, मोमेंट आर्म को आर ही कहते हैं 20 मीटर हो तो मोमेंट ऑफ फोर्स मीन के टॉर्क कैलकुलेट करें, इसको R1 इसको टॉर्क 1 का नाम दे देते हैं, ये केस 1 आ गया। अब आप सबको पता है यार मैस है, फॉर्मूला तो होता है F मल्टीप्लाई बाय R, तो F किसकी को लाएगा वेट के, और वेट किसकी को लाएगा mg के। आगे नेक्स्ट केस क्या कह रहे हैं, आफ्टर लिफ्टिंग द क्रेन आर्म व्हिच रिड्यूस मोमेंट ऑफ 12 मीटर, कैलकुलेट द मोमेंट। सेकंड केस में कहता है नाउ इफ R2
अगर आर वन 20 मीटर से कम हो गए कितना हो गए 12 मीटर। अगेन क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या वही सेम फॉर्मूला नहीं है जो अभी सॉल्व किए? तो क्या आएगा, टॉर्क वन इज इक्वल टू आर वन मल्टीप्लाई बाय एफ वन। सबसे पहले एफ वन कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, 1500 को मल्टीप्लाई करें 9.8 के साथ, कितनी फोर्स आ रही है आपके पास, 1500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 14,700 न्यूटन। सिंपली यहां पे मल्टीप्लाई करें 20 मल्टीप्लाई बाय 1470,000 न्यूटन, तो आपके पास क्या आ गया टॉर्क, और ये टॉर्क आपके पास इक्वल आएगा मेरा बेटा 2940 न्यूटन मीटर। कितना आ रहा है बेटा, 2,94,000 न्यूटन मीटर आपके पास क्या आ गया मेरा बेटा इसका टॉर्क। इवन कि आपके जो नोट्स मुबारक हैं, हम पे गलती इधर उसको करेक्ट कर लें, आपके नोट्स में 2940 लिखा हुआ है, तो जीरो के बाद मजीद दो जीरो आए, कॉमन सेंस की बात है ना, 14,700 को मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो 3000 तो नहीं आएगा, मजीद 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे भाई जान, नाउ अगेन फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू आर टू एफ टू कैलकुलेट करना आपने, आर टू आपको बताया गया टॉर्क आपके पास है 2940 को आर टू क्या है 12 पे डिवाइड करें तो F2 आपके पास कितने न्यूटन आ रही है 17,400। आंसर में आंसर बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, कैलकुलेट द मोमेंट आफ्टर लिफ्टिंग द क्रेन विच रिड्यूसेस फोर्स, की वैल्यू अगर सेम रहे, नहीं मेरे बेटे क्वेश्चन ये है अगर फोर्स की वैल्यू सेम रहे अगेन टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करें, फोर्स की वैल्यू क्या रहे मेरा बेटा अगर सेम रहे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आफ्टर लिफ्टिंग द क्रेन आर्म विच रिड्यूसेस द मोमेंट आर्म 12 मीटर कैलकुलेट द मोमेंट, मतलब आपसे टॉर्क टू पूछा गया तो वो किसी को लाएगा आर टू मल्टीप्लाई बाय F1 या जो भी आपके फोर्स तो सेम ही गिवन है, सिर्फ उसने क्या रिड्यूस किया है आपके पास इस डिस्टेंस को 12 कर दिए, 12 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 14,700 न्यूटन, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 14 ये आएगा 1,76,400 12 मल्टीप्लाई बाय 14700 यस 176400 ये ठीक कर ले मेरा बेटा 176400 न्यूटन मीटर आपके पास आ जाएगा टॉर्क टू। जी दोनों टॉर्क पूछेंगे आपसे, टॉर्क वन और टॉर्क टू, यहां पे भी आपसे यही बात है कि आपसे टॉप टू पूछा गया, ये फोर्स की वैल्यू दोनों केसेस में क्या रहेगी सेम। लग रहा बेटा अपना ख्याल रखिएगा, इसके न्यूमेरिकल करते हुए इंशाल्लाह कि चैप्टर 5 की बात करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।